चंद्रपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मृत हुए नागरिकों को श्रद्धांजलि दी गई। राज्य शासन की ओर से महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारोह का कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे निर्धारित किया गया था, लेकिन मंच पर उपस्थित नेताओं ने भाषण में कई समय लगाया और कार्यक्रम की समयावधि बढ़ गई। कार्यक्रम में उपस्थित लाखों नागरिकों को 6 से 7 घंटे धूप में तपना पड़ा, जिससे कई लोगों को लू की परेशानी होने लगी। इसमें 13 नागरिकों की मृत्यु हुई है। इस पूरे मामले को राज्य शासन की लापरवाही जिम्मेदार होने का आरोप सांसद बालू धानोर करने किया। नई मुंबई के खार घर में राज्य शासन की ओर से आयोजित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल 13 लोगों की लू से मृत्यु हो गई। चंद्रपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मृत नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पण की गई। शहर के कस्तूरबा चौक में यह कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। इस समय सांसद बालू धानोरकर बोल रहे थे। इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले को दोषी ठहराकर उन पर अपराध दर्ज किया जाए, ऐसी मांग चंद्रपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रितेश तिवारी ने इस समय की, जिसके बाद उपस्थित मान्यवरों ने महाराष्ट्र भूषण कार्यक्रम में मृत हुए नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पण की। कार्यक्रम में चंद्रपुर शहर जिला महिला कांग्रेस, चंद्रपुर शहर जिला युवक कांग्रेस और कांग्रेस के सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित थे। 2023 ला खारघर येथे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देण्यात आला। हा पुरस्कार अक्षरशः या महाराष्ट्रात आजपर्यंत झाला नाही या पद्धतीचा या पुरस्कार सोहळा। या सोहळ्यामध्ये जवळपास 20,000 भाविक भक्त जनता जनार्दन ते उपस्थित होते आणि जणू काय भाजपाचा प्रचार चालू आहे अशा पद्धतीने महाराष्ट्र भूषण पुरस्काराचं आयोजन करण्यात आलं। या पुरस्कारासाठी त्या लोकांना तिथे पोहोचायसाठी टोलसुद्धा माफ करण्यात आले त्या दिवशीचे, जास्तीत जास्त लोक तिथे जमा होईल। जवळपास 20,000 लोक तिथे जमा झाले, महिला भगिनी काही भक्तगण अप्पासाहेब धर्माधिकारी यांना महाराष्ट्र भूषण हा पुरस्कार देण्यात आला। आणि हा पुरस्कार देत असताना आपण पाहिलं की संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये तापमानाने उंची गाठलेली आहे। तिकडे कर्नाटकमध्ये 45 डिग्रीपर्यंत, मुंबई असो वा आपला चंद्रपूर असो, जवळपास 43.6 डिग्री 44 डिग्रीपर्यंत आपल्या महाराष्ट्रातसुद्धा तापमान वाढलेलं आपण पाहतो। आणि एवढी मोठी गर्दी करायची काही गरज नव्हती। या देशाचे गृहमंत्री अमित शहाजी, या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस आणि सांस्कृतिक मंत्री सुधीरजी मुनगंटीवार यांच्या उपस्थितीत हा सोहळा संपन्न झाला। अतिशय खेदजनक बाब, या चेंगराचेंगरीमध्ये जवळपास 500 लोक आता हॉस्पिटलला ॲडमिट आहे। 16 तारखेपासून आत्तापर्यंतचा आम्ही अहवाल घेतला तर मीडिया कुठे दाखवत नाही चेंगराचेंगरी झाली आहे। जवळपास 75 जवळपास महिला आणि आमचे बांधव मृत्युमुखी पडलेले आहे। अरे एकीकडे भारतरत्न हा पुरस्कार देत असताना दिल्लीमध्ये 4 दिवाळीच्या आतमध्ये हा सोहळा संपन्न होतो आणि महाराष्ट्रातल्या या नेत्यांना काय येऊन पडलं? एक शो दाखवायचा होता,